छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले हैं विष्णुदेव साय, अमित शाह से मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी साथ नजर आए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे मुलाकात के दौरान। अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई है। लगातार दिल्ली दौरे पर विष्णुदेव साय और अलग अलग मंत्रियों नेताओं से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ने, और अब आप देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बड़ी बात यह कि दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश में किस तरह की हलचल चल रही है, जो वादे किए थे उन्हें किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं, धीरे धीरे कर हर जानकारी शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय मुलाकात दिल्ली में होती है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से, अलग अलग विषयों को लेकर बातचीत हो सकता है कि आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो रही हो। सो शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, मुलाकात हुई गृहमंत्री मुख्यमंत्री के बीच, क्या कुछ हुआ है इस दौरान? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई, अभी फिलहाल वित्त मंत्री से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ के सीएम निकले। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री को पूरे जो एजेंडा रहने वाला है उसके बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो मोदी की गारंटी की पहल की थी उसको लेकर जानकारी दी है। जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उन्होंने बताया कि सरकार गठन होते ही 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है। राज्य के किसानों से जो वादे किए गए हैं, यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ ही सुशासन दिवस पर 13 लाख से अधिक किसानों को 2 साल का बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। जो अनुपूरक बजट आना है उसमें महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को जो 2485 करोड़ की राशि जारी की गई है, वह सेंट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल दिए जाने की अनुमति जो दी गई है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, एक तरफ जहां कर्टसी मीट के तौर पर ही इन मुलाकातों को देखा जा रहा है, उसके साथ साथ ही आने वाले 100 दिन में सरकार का क्या एजेंडा रहेगा, कौन कौन सी योजनाओं पर सरकार का फोकस है, और कैसे लोकसभा चुनाव से पहले अपने किए गए वादे यानी कि मोदी की जो गारंटी रही है उसको लेकर तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने बड़े नेताओं को दी। चलिए, यानी कि तमाम मायने मुलाकात के पीछे। बहुत शुक्रिया आपका शिवम जानकारी साझा करने के लिए। तो गृहमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। चुनाव प्रचार के दौरान दी गई मोदी की गारंटी पर सरकार के उठाए गए कदम की जानकारी पहुंचाई है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री आपको यहां भी नजर आएंगे तस्वीरों में। अरुण साव और विजय शर्मा को आप देख पा रहे हैं, और मुलाकात की तस्वीर भी बहुत खास हो जाती है जब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी फेस करना है। सरकार की आने वाली योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है। हो सकता है कि कुछ निर्देश भी मिले हों शीर्ष नेताओं से कि आगे प्रदेश में बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और एक तरफ बीजेपी में मुलाकातें तो दूसरी तरफ कांग्रेस में हाहाकार। रायपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा मच गया। कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक में जमकर हार के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि कई लोग जोगी कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, कुछ नेताओं ने बीजेपी के लिए काम करने के आरोप लगा दिए। कांग्रेस सचिवों ने आरोप लगाया कि सरकार में रह रहकर काम नहीं करवा पाए तो आखिर विपक्ष में रहकर कैसे करवाएंगे। बैठक में नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व मंत्री को कार्यकर्ता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी ही सरकार में हमारे ही काम नहीं हो पाए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हार पर मंथन करने के लिए रायपुर के राजीव भवन में एक बैठक भी बुलाई गई। बैठक तो हार पर समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन पार्टी नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर पीसी सचिव दीपक बैज सभी को जमकर खदेड़ा, भड़ास निकाली। किसी ने कहा कि पार्टी में भीतर घात हुआ है, किसी ने कहा कि पार्टी नेताओं ने जीते जोगी कांग्रेस के लिए काम किया है, किसी ने कहा कि भूपेश बघेल की तानाशाही की वजह से हार गए, किसी ने कहा कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई इसलिए हार गए।
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम सर्वे गलत साबित हुए हैं, पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई है, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया है। कुछ पदाधिकारियों को बोलने का हम लोगों ने मौका दिए, अपनी बातें रखे, अच्छा सुझाव आया, कुछ कमी भी अगर रह गई वो भी बात आई, और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना, ये दोनों बातें आई है और अच्छा सुझाव भी आया। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पार्टी में हर तरह की बातें होती है, लेकिन ज्यादातर बातें पॉजिटिव हुई है, कोई निगेटिव बात नहीं हुआ है। और हम लोगों ने निर्देशित कर दिए कि हमारे प्रभारी जाएंगे जिले में, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक लेंगे, विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं की बातें सुनेंगे। और बैठक के दौरान पार्टी नेताओं की नाराजगी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो दीपक बैज कहते नजर आए कि हमारा परिवार है, कांग्रेस पार्टी सभी को अपनी बात रखने का मौका देती है, सभी जिलाध्यक्षों को कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको उनके शब्दों में सुनाते हैं। बहुत सारे लोग तो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हम लोग तब भी 1.5 घंटा लगभग हम लोग सभी पदाधिकारी चर्चा किए। अगला 3 बैठक और हम लोग को करना है, इसलिए मैंने कहा है कि अगर कोई बात अगर रखना चाहे नहीं रख पाए हो तो अवश्य मेरे दफ्तर में आकर 28 तारीख के बाद अपनी बातें रख सकते हैं, तो उनके लिए सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। और दीपक बैज ने पार्टी में भीतरघात के मुद्दे पर भी कहा कि जहां जहां से भीतरघात की खबरें आई हैं वहां कार्रवाई की गई है, आगे भी शिकायत अगर मिलती है तो कार्रवाई होगी। अब हम सबको मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, क्या कह रहे थे सीधे सुनिए। वो तो कुछ मामले हैं हमारे पास, चुनाव के दौरान कुछ शिकायतें आई थी, वो शिकायतें अभी हम लोग पास अभी पीसीसी में बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ शिकायतें हैं उन पर हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। अभी तो पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर की बात है, बंद कमरे की बात है, मैं समझता हूँ उसको बाहर करना ठीक नहीं है। हम लोग तो एक परिवार बैठे थे, परिवार के लोग बैठे थे, तो हमारा परिवार की बात है। श्रृंखला अभी बहुत ज्यादा लंबी है, कांग्रेस की हार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी चुप नहीं रहे, गुस्सा उनका भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अहंकार रहा है, हाईकमान उनके आगे झुक रहा था। अरविंद नेताम ने भूपेश बघेल को अहंकारी और तानाशाह तक कह दिया। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं है, इसके साथ साथ कांग्रेस हाईकमांड भी है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड ने निरंकुश होने का मौका दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमांड सीएम के सामने, भूपेश बघेल के सामने झुकती रही है, दबती रही है, क्या कारण मैं नहीं जानता, ये पहली बार हुआ है। और दूसरी बात, जो इनके काम करने के रवैये, इनके स्वभाव, ये अहंकारी आदमी, अहंकार बहुत है, तानाशाह है और जबान के गंदे हैं, यानी सार्वजनिक जीवन में जबान को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत एक एक शब्द का अर्थ निकाला जाता है। इस प्रकार से ये जो और इनके खुले ओपन मार्केट से जो सलाहकार रहे ना 7-8 लोग, इनका स्तर क्या है? ये गंभीर जो अफसर होते हैं, जो अपने स्तर के अच्छे अफसर को आम तौर पे सलाहकार लगाए जाते थे, तो ओपन मार्केट से ले आए पकड़ पकड़ के, चलो तुम भी सलाहकार हो जाओ। चलिए, तो ये आपने सुना अरविंद नेताम को, लेकिन अरविंद नेताम पर भी पलटवार हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, जिन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद नेताम अब कांग्रेस में नहीं है, उन्हें लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्हें कांग्रेस से क्यों निकाला गया, क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। देखिए, अरविंद नेताम ना तो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में सदस्य है, ना ही कांग्रेस पार्टी से उन्हें कोई लेना देना है, ना ही कांग्रेस पार्टी अरविंद नेताम जी से पूछ रही है कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है। तो कांग्रेस के नेतागण कार्यकर्ता सक्षम है हार की वजह तलाशने के लिए, और हम पूरी एकजुटता के साथ हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अरविंद नेताम जी को तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उन्हें उनके साथ ऐसी स्थिति क्या हो गई,
कुन्नू को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया, उनको आदिवासी समाज का तवज्जो नहीं मिला। और अहंकार किसका है, किसके शब्दों में अहंकार झलक रहा है, ये पूरा प्रदेश देख लिया है। और पार्टी की परेशानियां एक तरफ छोड़कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सीएम विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की मांग रखी है। पत्र में दीपक बैज ने कहा कि डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी सिर्फ 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का आदेश जारी हुआ है, जल्द से जल्द 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का आदेश भी जारी करें। बैज ने भी कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने किसानों की कर्ज माफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदना फौरन शुरू कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते पत्र लिख रहे, ताकि धान खरीदी लगभग डेढ़ महीने से अधिक हो चुकी है, प्रक्रिया चल रही है, धान खरीदी चल रही है, लेकिन अभी तक शासन मुख्यमंत्री बनने के बाद कल मंत्रिमंडल भी गठन हुआ, उसके बाद अभी तक सिर्फ 21 क्विंटल खरीदी का शासन ने निर्देशित किया है, लेकिन 3100 देने का शासन से अभी तक कोई आदेश किसानों के लिए नहीं मिला है, न शासन ने आदेश जारी नहीं किया है, जिससे किसान लगातार चिंतित हैं और किसान आत्महत्या की कर रहे हैं। तो खबरें आपने देखी कि किस प्रकार हार के बाद कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इस पर मंत्री केदार कश्यप की तरफ से निशाना साधा गया। केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती बघेल सरकार ने जिस तरह सरकार में भ्रष्टाचार किया है, उसी तरह से अपनी पार्टी में भी भ्रष्टाचार करते नजर आए। कांग्रेस में टिकटों को लेकर जिस तरह से लेन देन की बातें सामने आ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं केदार कश्यप। क्या कहा है ये भी आप सुनिए। जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री के ऊपर और जिस तरीके से उनके पीसीसी के अध्यक्ष के ऊपर, उनके प्रभारी के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लग रहे हैं, दावेदारों ने कहते हैं आरोप लगाए, विधायकों ने आरोप लगाए, प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, मतलब पूरी पार्टी को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, हमने पहले भी कहा था कि इन्होंने तो सरकार में भ्रष्टाचार किया ही, लेकिन अपनी पार्टी में भी इस तरीके से भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से लेन देन के बातें सामने आ रही है, ये दुर्भाग्य है। पुरानी पार्टी रही है और उस पर इस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं और इस तरीके से उनके लोग खुल करके सामने बोल रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा, लोकसभा के चुनाव के पहले तक कांग्रेस में बहुत सारी टूटन होगी और उसके कारण से पूरे देश भर में जो कांग्रेस पहले इंडिया कह रही थी और ये अपने लोगों को जोड़ने की पहले कोशिश करे, उसके बाद दूसरे दलों को है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि वो पुराने और अनुभवी की बात करते हैं तो सत्यनारायण शर्मा जी की क्या स्थिति थी, धनेश साहू जी की क्या स्थिति, अमितेश शुक्ला जी की क्या स्थिति थी, ऐसे कितने नेता हैं जिनको उन्होंने दरकिनार रखा। और अगली बड़ी खबर रायपुर से है। शकुंतला साहू रोपड़ी बैठक चल रही थी, लेकिन उसी दौरान शकुंतला साहू के आंसू बहने लगे। पूर्व विधायकों की बैठक में वो रोई हैं, रोती रोती बोली हैं कि कसडोल से टिकट कटने का मलाल नहीं है, मंत्रियों का टिकट क्यों नहीं काटा गया, कार्यकर्ता नहीं बेटी की तरह थी मैं, मुझे लेकर अनर्गल बातें कही गई हैं और इस बात का दुख अब उन्हें बैठक के दौरान हुआ। कसडोल से टिकट मांग रही थी, मिला नहीं, लेकिन इसका मलाल नहीं है उन्हें, मंत्रियों का टिकट क्यों नहीं काटा गया, इस बात को लेकर नाराजगी थी। कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बल्कि बेटी की तरह हमेशा ट्रीट किया गया है, लेकिन मुझे लेकर ठीक बातें नहीं कही गई हैं, जिसका दुख उन्हें है। शकुंतला साहू का जिक्र कर रहे हैं, बैठक चल रही थी उसी दौरान उनका दर्द छलका, बैठक में रोते रोते ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार अंतरकलह की खबरें, और ये भी स्पष्ट करते हुए संकेत देती हुई कि पार्टी फोरम पर अगर पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता बात रखने की कोशिश पहले करता होगा तो शायद सुनी नहीं जाती होगी। इसी का ये नतीजा कि अब जाकर जब सुनवाई हो रही है तो अलग अलग कार्यकर्ता पदाधिकारी ये बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ पार्टी में अन्याय हुआ है। शकुंतला साहू बैठक चल रही थी उसी दौरान रोपड़ी, पूर्व विधायकों की बैठक थी,
रोते रोते बोली कि कसडोल से टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है इसका मलाल नहीं है, लेकिन मंत्रियों के टिकट क्यों नहीं काटे गए? कई ऐसे मंत्री जिनका जनाधार बहुत ज्यादा कमजोर था और ये प्रत्यक्ष भी था, 9 कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे हैं, मंत्रियों का टिकट क्यों नहीं काटा गया? ये सवाल उठाया। कार्यकर्ता नहीं बेटी की तरह थी मैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लेकर अनर्गल बातें कही गई है। ये शब्द हैं शकुंतला साहू के, से कि ममता से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। ममता, क्या कुछ हुआ है इस केस में, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए वो सिटिंग एमएलए जिनकी टिकट काट दी गई थी उनकी बैठक थी, और इस बैठक में तमाम जो एमएलए हैं उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, और इस दौरान जो है शकुंतला साहू रो पड़ी बैठक में, और उन्होंने कहा कि टिकट काटना अलग बात है, लेकिन टिकट काटने के अलावा मेरे बारे में जो अनर्गल बातें कही गई उससे मैं आहत हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की जिस तरीके से हार हुई उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी, और जितने भी एमएलए वहां पर एक्स एमएलए थे उन्होंने 2.5 साल वाले मुद्दे को भी एक कारण बताया हार का, और उन्होंने कहा कि ये इसके कारण जो है पार्टी की छवि लगातार खराब हुई, और इसके साथ ही जो सर्वे है उनको भी फर्जी बताया गया। लेकिन शकुंतला साहू ने एक बड़ी बात ये भी कही इस बैठक में रोते हुए कि अगर मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब थी तो मंत्रियों की रिपोर्ट कौन सी अच्छी थी, तो जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब थी उनकी टिकट क्यों नहीं काटी गई? तो ये एक बड़ी बात है। कसडोल से जो है काफी सबसे कम उम्र की विधायक थी शकुंतला साहू, और काफी प्रचंड मतों से पिछली बार वो जीती थी, और हालांकि ये जरूर है कि इस बार भी कसडोल कांग्रेस जीत गई है, संदीप साहू जो है वहां से जीते हैं, लेकिन उनको टिकट काटी गई थी तो उन्होंने उस समय पार्टी का जो है के फैसले को सहज स्वीकार किया था, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि पार्टी के टिकट काटने का दुख नहीं है जितना अनर्गल बातें वो करने का और फैलाने का, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है वो बेटी की तरह हूँ लेकिन जिस तरह की बातें फैलाई गई उससे मैं आहत हूँ। तो जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर जो तमाम तरह की एक तरह से कहें कि तमाम तरह की जो उठा पटक चल रही थी वो चीजें भी सामने जो है वो विधायकों की बैठक में आई थी। और ठीक बात भी है, अगर ये बातें पहले सुन ली जाती। बार संदीप भैया को हम लोग पुनः विधायक बना के दिए हैं। आप इमोशनल क्यों हो गई थी नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कम उम्र में विधायक बने हैं, इमोशनल हुए हैं क्योंकि हम लोग सब एक साथ हुए हैं तो एक दूसरे बात चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा के दौरान कुछ ऐसे बात आ गए थे उससे इमोशनल हुआ है। और मैं तो बोलती हूँ कि टिकट कटने में सब लोग रोए होंगे पर मैं बस कभी नहीं रोई हूँ, क्योंकि हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य रखते हैं उसको फल हमेशा मिलते हैं। लेकिन बैठक में आपको हार का वो डर जो है वो छलक पड़ा? नहीं, वो होते रहता है। अगर पार्टी फोरम में पहले बात सुनी गई होती तो अब इस प्रकार किरकिरी ना हो रही होती। ममता शायद स्पष्ट तौर पर मीडिया से ना कह पाई हूँ, लेकिन बैठक में जरूर फफा फफा कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए बैठक में वो रो पड़ी थी और उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार भी किया इमोशनल होने वाली बात, क्योंकि वो ऐसे नहीं कह सकती थी कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। जो लोग मीटिंग में बैठे थे उन्होंने ये जानकारी दी, और उसी के बाद हमने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं इमोशनल हो गई थी, और इमोशनल सिर्फ मैं नहीं हुई थी बल्कि बाकी लोग भी हो गए थे, क्योंकि कम उम्र में हम विधायक बन के आए थे।